हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 9 सितंबर 2019 है और जो लेके आया था वो निफ्टी पे अपडेट लेके आया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा एक गेन के रूप में अभी दिखा सकता है, 11200 तक जा सकता है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 27800 तक जा सकता है। तो अभी पॉजिटिव ट्रेंड है और सेप्टेम्बर मंथ घुस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब आपके जो भी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं आप उसमें अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाइंग पोजीशन या एवरेज की पोजीशन बना सकते हैं या बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाए, मेरा ये एडवाइजरी है या मेरा ये डिस्क्लेमर है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जानने के बाद ही बात करेंगे, तभी जान के पूछ के फिर बनाएंगे पोजीशन, क्योंकि आपका रिस्क हैपेटाइट और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़्यादा अच्छा मालूम होगा। किसी को 100 रुपया इंपॉर्टेंट होता है, 100 रुपया डूबना तकलीफ होता है, और किसी को 1 लाख रुपया डूबने से भी तकलीफ नहीं होता है। अभी क्या है पैटर्न, आपका क्या स्ट्रेटजी है, आपका कितने दिन का इन्वेस्टमेंट है, आपका कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, आप कितने साल के लिए रखना चाहते हैं, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा अच्छा जानते हैं। इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी होती है ये वीकली मोस्ट प्रोबेबली होती है, वीकली एक्सपायर करती है और ये 2 से 3 दिन के लिए होती है। अप भी ले सकती है, डाउन भी ले सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशन अभी मतलब ये होता है कि अब एक ट्रेंड जो पकड़ रहा है, लग रहा है 11700-600 के पास इसने अच्छा बेस बना लिया है और अब इसे इनफैक्ट 11800 के आसपास ही बहुत अच्छा बेस बना लिया है। अब इसे नीचे अभी जाने को ये तैयार नहीं दिखता है। और जो मार्केट में चेंजेस हुए थे, जो FI को लेकर के रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, चार्जेस लगाए थे IT में, वो सब विड्रॉ हो गया, वो सबको लेके भी पॉजिटिवनेस है और निगेटिविटी जो आनी थी ऑटो सेक्टर में आनी थी, जहाँ पे भी आनी थी। इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो आप 7100 पे अच्छा खासा वो स्टे करके ऊपर की ओर जा रहा है। FI का देखेंगे तो FI का सेल रुका है, सेल बंद नहीं हुआ है, सेल रुका है, मिनिमम की ओर जा रहा है। तो अगर ऐसा ट्रेंड रहा जो चांसेस है, तो आपको दीपावली के पहले एक अच्छा आपको चांस, बुलिश चांस मिल सकता है। तो संभल के रहें और इन्वेस्टमेंट के रूप में पोजीशन बना सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आज निफ्टी 0.5 56% 11003 पे क्लोज हुआ, 56% था। निफ्टी 50 87 पॉइंट अप हुआ है। निफ्टी मिड कैप 59 पॉइंट। निफ्टी ऑटो में भी अच्छे गेन दिया है और 7000 के नीचे ही वीक होगा, 7000 के ऊपर स्ट्रांग है ये, तो 7000 के ऊपर है। और निफ्टी बैंक 27500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से कहीं 750-800 पोजीशन यहाँ से बन जाएगा आपको। तो निफ्टी अगर आपको बैंक 27800 की ओर जाते हुए दिखे, हो सकता है आज या कल शाम तक, क्योंकि कल मार्केट बंद है मंगलवार को, बुधवार को जब मार्केट खुलेगा उसके पहले हो सकता है कोई न्यूज आए, हिडन न्यूज आए और मार्केट की ओपनिंग भी हो सकती है, अच्छी हो सकती है। अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है आज से मार्केट बुधवार ओपन होगा, इस बीच में कोई न्यूज भी आ जाए और मार्केट अच्छा सिम्टम के साथ ओपन हो सकता है। आज जो टॉप गेनर है यस बैंक है, लास्ट ट्रेड वाइज 63 है, चेंज 4.30 है और UPL है, मारुति है, LT है, भारतीय एयरटेल, और लूजर के रूप में SCTech, आयसर मोटर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज है। मोस्ट एक्टिव शेयर के रूप में देखें तो आज मारुति सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, यस बैंक वॉल्यूम के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है, टाटा मोटर्स है, ICICI बैंक है, SBI है और टाटा स्टील है। यहाँ पे जहाँ कहीं ना कहीं यस बैंक टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिवनेस दिख रही है खरीदारी की, ICICI बैंक 100% अपने पोर्टफोलियो में रखिए, एवरेज कीजिए, अच्छा है, SBI जरूर रखिए। वहीं पे टाटा स्टील वगैरह में अभी भी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है। एडवांसेस जो देखेंगे इसमें 35 थे, डिक्लाइन 15 थे, तो एडवांसेस सिम्टम बता रहा है आपको ऊपर की ओर, तो अच्छा दिखेगा। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में देखिए सब में अच्छा और विक्स नीचे की ओर जा रहा है, 2.60 15 के नीचे, और अगर लो 13.6 पे 5 पिप लगाया तो हो सकता है विक्स नीचे की ओर मेंटेन करें अभी या इसी रेंज में मेंटेन करें। सेक्टरल इंडेक्स में देखेंगे तो सभी गेन IT को छोड़कर आप सब में गेन देखेंगे और PSU बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, प्राइवेट बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, रिलेटिव ने अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी बैंक ऑटो सबों ने लगभग अच्छा कंट्रीब्यूट किया है एक्सेप्ट IT ने आज के डेट में। अगर इसको चार्ट पे भी देखें तो आप देखेंगे बोलिंगर बैंड के मिडिल जो कि 10966 है, तो अगर आप बुलिश पोजीशन बनाते हैं तो 10950 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं
और यहाँ पे आप 11173 11200 की ओर यहाँ पे देखते हैं, जो अपर बॉन्ड है 11175 11200 के लिए आप सोच सकते हैं। इनफैक्ट आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं चाहें तो, कोई भी 11000 का कॉल जो कि एक्सपायरी है 12 सितंबर का, अगर 11000 का कॉल जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है 553, हो सकता है ये आपको 100 की ओर जाता हुआ दिखे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 25 का लगाना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आप 11050 इनफैक्ट 11150 11250 200 की और पोजीशन यहाँ पे बन रही है, बट 250 में अनवाइंड हो रही है, 300 में अनवाइंड हो रही है, और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन तो निगेटिव है, बट यहाँ पे जो पोजीशन बन रहा है जब मार्केट ऊपर की जा रहा है, 100% यहाँ से कॉल राइटर अपने बाय करके बाहर की ओर निकल रहा है, राइट नहीं कर रहे हैं, इनको बाय कर किया जा रहा है, इनको शॉर्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पोजीशन जो नेट चेंज देखेंगे 5 रुपये का, यहाँ 61 रुपये का है, इसका मतलब है कि पुट की ओर 11100 में आप देखेंगे 11050 11100 में भी शॉर्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट 11200 तक शॉर्ट किया जा रहा है, और 11000 पे अगर एट द मनी पोजीशन देखें तो 14,13,39,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि यहाँ 17 लाख है और अनवाइंड हो रहा है, कॉल की ओर अनवाइंड हो रहा है, मीन्स चांसेस है ऊपर की ओर जाने का, और पुट की ओर पोजीशन बनी जा रही है, और आज ही 8 लाख पोजीशन बनी है 11,000 10,950 और 10,900। किसी भी हालत में इस वीक की क्लोजिंग 10,900 नीचे नहीं बनती है देखने को, और ऊपर 11,150 11,175 जो कि बोलिंगर बैंड का एक सपोर्ट भी है 11,175 की ओर, वहां जाते आपको दिख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगर हम कॉमोडिटी में भी देखें तो कॉमोडिटी में देखेंगे गोल्ड अभी थोड़ा डाउन हुआ है, तो शायद मार्केट अप जाए, क्रूड ऑयल में थोड़ी गेन है, ये मार्केट के रिवर्सल पोजीशन से ऊपर है, वो बात थी। लेकिन यूएस देखिए आप यहाँ पे डॉलर रुपीज़ में कितना रुपीज़ को गेन मिला है, बहुत अच्छा गेन मिला है यहाँ पे, जो 72 की ओर प्लस क्रॉस कर रहा था वो अब नीचे की ओर आया है, तो रुपीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं गेन लिया है। अभी जो दिख रहा है यूएसडी मजबूत दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको आगे ये रुपया मजबूत होते हुए देखने को मिल सकता है। अदर इंडिसेस की बात करें तो आप कहीं ना कहीं दूसरे जो इंडिसेस हैं, इंडेक्स फ्यूचर देख लीजिए आप, दूसरे इंडिसेस में देख ले सकते हैं, तो डॉ को देख लेते हैं, तो डॉ में जो यहाँ पे दिखा रहा है, डॉ में यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे फ्यूचर्स में दिखा रहा है, और बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे डॉ में नहीं दिखा रहा है, नास्डेक में भी नहीं दिखा रहा है, तो कहीं गिरावट कहीं पे भी देखेंगे तो बहुत खास नहीं दिख रही है, लेकिन पोजीशन जो है वो अच्छी दिख रही है, तो एक शायद सिग्नल है, बाहर के मार्केट से भी ज़्यादा कोई खास अपने को यहाँ असर नहीं पड़ने को है। तो कहीं FI और DI का देख ले, तो FI ने कैश में क्या किया है, 188 करोड़ का सेल किया है, DI ने बाई किया है, मंथ टिल डेट देख ले तो 5,400 करोड़ का सेल किया है, बट 5,149 करोड़ का DI ने बाई किया है। वहीं अगर मंथली बेसिस पे देखें तो जून में जहाँ 688 आप देखेंगे, मई में 2,000 करोड़ का सेल हुआ, जून में 688, जुलाई में 16,000, तो अगस्त में 14,000, और अभी तक 10 दिन गुजर चुका है और देखेंगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ हुआ है, तो कहाँ 14,000 करोड़ और कहाँ 5,000 करोड़, मीन्स आधे से भी नीचे चल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेल का जो सेंटीमेंट है, अब देखिए यहाँ पे 3 तारीख को 2,000 करोड़, 4 तारीख को 1,700, फिर 561, 947, 188, इसमें कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिख रहा है, और वीक बिगनिंग हुआ है पॉजिटिव से, तो हो सकता है कि इस मंथ की जो एंडिंग भी हो वो पॉजिटिव ही आपको देखने को मिले, तो मार्केट हो सकता है एक बार बुलिश ट्रेंड में दीपावली तक अक्टूबर एंड तक हो सकता है मार्केट ऊपर लेके और जाए। तो अभी आपको मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश पोजीशन में जा सकती है, बट कोई ये बुलिश नहीं है, मतलब अभी जो है ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि DI की सेलिंग रुकी हुई है, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आपको लगे तो आपको अपने पोजीशन पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और जो भी बहुत गिरे हुए शेयर है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख के सोच के बात भी कर सकते हैं। ये निफ्टी पे कमिंग जो 11 तारीख को बुधवार को मार्केट होगा, लगता है वहाँ से आपको 11 निफ्टी 11175 और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 2700 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है मार्केट में आपको पोजीशन बनाने का या रखने का,
अगर आपको बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।